अगली खबर नैनीताल से आ रही है, जहां एक व्यक्ति को नकली भारतीय करेंसी और संदिग्ध दुबई करेंसी के साथ गिरफ्तार किया, जबकि तीन युवक भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते भागने वाले युवक को कुछ देर बाद पुलिस ने पकड़ लिया। वही व्यापारी कन्हैया जायसवाल ने बताया कि उस समय उनका बेटा दुकान में मौजूद था। युवकों ने दुकान से कुछ कपड़े खरीदे, युवकों के जाने के बाद व्यापारी को शक हुआ और पिता के आने के बाद बेटे ने नोटों की जाँच कराई। वही नोटों के नकली होने की पुष्टि होने के बाद कैमरों की जांच कराई गई और वीडियो अन्य व्यापारियों को भी भेजा गया। आपको बता दें कि पुलिस जांच कर रही है कि इनके पास नकली पैसे कहां से आए और इन लोगों ने बाजार में कितने नोट चलाए हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। एक व्यापारी की दुकान पे कुछ लड़के आए और उनके द्वारा कुछ सामान खरीदा गया 500 रुपए का, जिसमें से 370 का सामान था, 500 का नोट उनको दिया गया, कुछ रुपए 130 रुपए वापस किए गए। तो वो ये जो लड़के हैं, ये वहाँ से इनके जाने के बाद जो दुकानदार थे, दुकान मालिक थे, उनको संदेह हुआ। उनके संदेह पर उन्होंने अपने ग्रुपों में उसको चलाया कि ये चेक करो, ये नोट में कुछ संदेह हो रहा है। तो पता चला कि ये जो नोट चलाया गया था, ये फर्जी नोट था। तो व्यापारियों द्वारा और फिर पुलिस को उनके द्वारा बताया गया, पुलिस ने और व्यापारियों ने मिलकर इनको एक लड़के को पकड़ा और बाकी जो लड़के थे वो फरार हो गए वहां से मौके से। उनको इंटरसेप्ट करते करते हमारी टीम ने जोली कोर्ट में अरेस्ट कर लिया है।